हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त कुलवंत। अभी हम लोग आ चुके हैं मनाली, और आज हम जा रहे हैं जो यहाँ मनाली के लोकल साइट सीन है उन सारे डेस्टिनेशंस को कवर करने के लिए। तो मनाली का जो अभी का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अमेजिंग है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू, जहाँ पे अभी भी आपको स्नो है वो दिखाई दे रही होगी हल्की मात्रा के अंदर, बट अभी जून चल रहा है और जुलाई का वक्त रहेगा, उसकी वजह से वो जो स्नो है वो पूरी मेल्ट हो चुकी है, तो आप ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। टेम्पल, तो ये यहाँ का लोकल मार्केट है वशिष्ठ टेम्पल का। तो अभी बाइक वॉक करते हुए हमने गाड़ी को जो पार्क है वो थोड़ी दूर कर दिया है, और उसके बाद में बाइक वॉक करते हुए हम वहाँ पे जा रहे हैं। इस दौरान जो भी बीच में कुछ अच्छी प्रेजेंस होती है आप लोगों के साथ में रखता हूँ, मेरे साथ में। तो फाइनली आई फाउंड माई रेबिन, ओके, एंड लाइक जो हिमाचल की जो रैबिट्स है बहुत ही क्यूट होता है। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे इसके सब बाल है और काफी लंबे हेयर्स हैं। तो ये यहाँ की फेमस है। तो बनी, हेलो, ले बनी, मनाली, इट्स टोटली लेजी बनी है ना, वाइट कलर। हाँ सॉरी, अभी मैं आपको लेकर आ चुका हूँ जो वशिष्ठ जी है उनके टेंपल, उनके गांव में, उनके स्थान के ऊपर। तो अभी हम अंदर चलते हैं और पूरे उस टेंपल के बारे में मैं आपको एक पूरी हिस्ट्री है वो बताता हूँ कि ये कैसे स्थापित हुआ और क्या कारण रहे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जो मेन मुख्य स्थान है भगवान वशिष्ठ जी उनके यहाँ पे। तो इस स्थान के बारे में ये बताया जाता है कि जब वशिष्ठ जी अपने पुत्र वियोग में या उनके पुत्र जब एक्सपायर हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं विश्वामित्र जी के द्वारा, तो उस वक्त वो जो बिपाशा नदी है उस बिपाशा नदी में आत्महत्या करने के लिए जाते हैं। और जब वो उस नदी के अंदर कूदना चाह रहे होते हैं तो उस समय बिपाशा नदी उनके प्राणों को ग्रहण करने के लिए मना कर देती है और वह उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो उस समय जो विश्वामित्र जी सॉरी वशिष्ठ जी थे वो वहाँ से वापस पुणे आ जाते हैं और इस जगह पे आके वो अपना एक स्थान है वो यहाँ पर डेवलप करते हैं। ये पूरा जो गांव है वो गांव वो बसाते हैं, और जब वो अपने प्राण त्यागते हैं तो उन्हीं के स्थान के ऊपर जो मंदिर है वो पूरा डिजाइन किया जाता है। ये जो यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो वादी है, वो आज भी उन्हीं की जो खूबसूरती, उन्हीं की जो महक है, उन्हीं से विद्यमान है। थैंक यू। आप देख सकते हैं तो जो वशिष्ठ जी थे वो राम परिवार के, श्री राम परिवार के कुल गुरु थे, ठीक है। तो उनके जो वाइफ थी सीता जी, उनके बच्चे लव कुश, वो भी यहाँ पर आया करते थे, और आज भी उनकी जो मूर्ति है वो यहीं पे स्थापित है। आप देख सकते हैं श्री राम मंदिर है जहाँ पर उनकी मूर्ति है, और ये सारी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी। Thank you.
हाय गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं हडिम्बा टेंपल पे और अभी ये यहाँ का स्ट्रीट है जहाँ जिसके होते हुए हम लोग जाएंगे हडिम्बा टेंपल। और बने रहे मेरे साथ में, मैं जल्दी आपके साथ में पूरे कंप्लीट हिस्ट्री रखता हूँ कि हडिम्बा टेंपल क्या बैठ के ले लो। हाँ कोई बात नहीं। हाँ ठीक, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक भैया में कैप। सो ही इज अ गाय। हेलो। एक में कैप लगा रही हूँ। एक सब लेना। माय गॉड। वो यहाँ पे बैठ गई। कौन बैठ गई? वो देख। रानी सर फोटो करानी। बनो खतरों के खिलाड़ी। ये है आलू बुखारे, नमक नहीं चाहिए। थैंक यू आंटी। तो जब भी मैं कहीं पे भी किसी भी लोकल प्लेस पे जाता हूँ तो उनके जो व्यक्ति है उन लोगों को मैं डेफिनेटली प्रमोट करता हूँ। तो वहाँ का जो लोकल फूड है या स्ट्रीट फूड जिसको बोल सकते हैं वो मैं डेफिनेटली ट्राई करता हूँ। तो ये है आलू बुखारा, इट्स अ फ्रूट, ये कोई स्वीट या वैसा कुछ नहीं है, बट इट्स टोटली हॉट सॉट एंड स्वीट। तो आप लोग भी अगर आते हैं हिमाचल में तो आप लोग भी इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं हडिम्बा टेंपल पर और हडिम्बा टेंपल के बारे में मैं आपको पहले ही बता रहा था कि एक हिस्ट्री है, एक बहुत ही पौराणिक कथा है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर अभी बताता हूँ। पहले आप मंदिर को यहाँ पर देख सकते हैं इस अकॉर्डिंग। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं हडिम्बा टेंपल पे और हडिम्बा टेंपल की बहुत ही पौराणिक कथा है जिसके बारे में मैं आपको शेयर कर देता हूँ। बताया जाता है कि यहाँ इस जगह पे एक हडिम्बा नंबर की एक दैत्य रहती थी या राक्षस रहती थी जिनका एक भाई भी था हडम, ठीक है। इन दोनों ने ही मिलके अपने इस जगह का जो निर्माण था या बसावट थी वो की थी। तो बताया जाता है कि जब पांडव काल या महाभारत काल जब रहा उस समय पांडवों को वनवास के लिए भेजा गया था और जब उनको वनवास के लिए भेजा गया था तो सब भाई जब घूमते घूमते इस जगह पे आते हैं तो भीम की मुलाकात हडिम्बा से होती है और जब उनसे मुलाकात होती है तो उन दोनों में कहीं ना कहीं आपसी प्रेम है वो जागृत होता है। और कुछ समय साथ में रहने के बाद में जब हडम को ये पता चलता है कि भीम और हडिम्बा का कुछ लव अफेयर है उसकी वजह से हडम काफ़ी गुस्सा हो जाता है हडिम्बा से और वो भीम को ललकारता है युद्ध के लिए। तो भीम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और वो यहाँ पर युद्ध के लिए तैयार होता है। हडम और भीम के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध होता है जिसके अंदर भीम हडम को पराजित करता है और उसको मृत्यु के घाट उतारता है, जिसके पश्चात हडिम्बा और भीम की शादी का प्रपोजल जाता है भीम की माँ को। तो भीम की माँ की शर्त ये रहती है कि आप लोग शादी कर सकते हो लेकिन सिर्फ बच्चा होने के पश्चात भीम को अपने वनवास काल के लिए वापस पुनः आगे जाना होगा। तो भीम वहाँ हडिम्बा के साथ में शादी करता है और एक साल पश्चात उनके एक लड़का होता है जिसका नाम कटोत्कच होता है।
और कटोत्कच का आपको पता है कि महाभारत काल में बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, जिसमें वो वीरगति को भी प्राप्त होते हैं और आज हर व्यक्ति उनको बहुत अच्छे लहजे से जानता है कि जब अर्जुन कर्ण के साथ में युद्ध कर रहे थे तो उसी दरमियान कुछ कर्ण के जो बाण थे वो कटोत्कच है वो अपने ऊपर ले लेता है सिर्फ अर्जुन को बचाने के लिए, अपने चाचा को बचाने के लिए, और उसी समय वह वीरगति को प्राप्त होता है। मगर वहाँ पे श्री अर्जुन श्री कृष्ण के द्वारा ये वरदान दिया जाता है हडिम्पा और कटोत्कच को कि आप युगो युगो युगांतर आप लोगों की पूजा की जाएगी, आप लोगों का नाम रहेगा और आप वीरगति को प्राप्त होंगे। उसके पश्चात हडिम्पा अपने दैत्य स्वरूप को त्याग कर यहाँ पर तपस्या करती है और तपस्या करते हुए समय वह यहीं पर इसी जगह पे वो अपनी समाधि में लीन हो जाती है, जिसकी आज भी एक मूर्ति यहाँ पर विराजमान है और उसी के पश्चात ये जो जगह है वो यहाँ पे काफ़ी फेमस होती है। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज हम सब ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया और अभी मैं अपने क्लाइंट्स को लेके जा रहा हूँ रिवर राफ्टिंग के लिए मनाली में ही। तो ये आज का हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा और उसके बाद में हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, इवनिंग का जो वक्त रहेगा। तो अब सभी लोग जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आर यू एक्साइटेड? या सो आई थिंक ऑल ऑफ यू गोइंग फॉर द वॉर। या इट्स नॉट बी अ राफ्टिंग। ओ माई गॉड, हैव यू मेसेज? And here all females are going. Just a moment. So hi guys, how are you? Fine. All of your smile are killer, you know. Oh my god, all of you feel adventure, yeah? Accepting challenges, yeah? Great. What about you? Okay, thumbs up. Have a great fun, huh? Enjoy. Okay. Bye. Take care of all of you. Enjoy this ride, huh? Yeah. Okay, hi guys. Bye. Okay. So time to. We'll be right back.